आपका स्वागत है इस चैनल स्टडी विद आरस में। मैं हूँ राधेश्याम मेहरा और इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो स्कूल प्रमोटेड हुए हैं यानी करमोन स्कूल हुए हैं या फिर कोई न्यू स्कूल हो सकता है सीनियर में हुआ हो या मतलब मोस्टली तो सीनियर में हो, सभी के सभी सीनियर में हो गए आपको पता है। तो उनके लिए आपको बोर्ड से एफिलिएशन लेनी पड़ती है बोर्ड का फॉर्म भरने के लिए। तो जिन लोगों ने 11वीं और 12वीं दोनों क्लास लगाई है वो उनको भी भरना है और 11वीं लगाए उनको भी भरना है। तो भरना कैसे हो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में अपन कवर करने की कोशिश करूँगा पूरा कि आप कैसे करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और किस प्रकार से आप कर सकते हो। तो फटाफट अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको RBC की साइट पर आना है और जैसे आप RBC की साइट पर आ जाएंगे यहाँ आने के बाद में आपको इधर साइड के अंदर राइट साइड में दो ऑप्शन दिखाई देंगे, स्कूल एफिलिएशन पोर्टल्स फॉर हु ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस पोर्टल्स बिफोर 21/9/2020 और दूसरा है स्कूल एफिलिएशन पोर्टल फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इन बोर्ड आफ्टर 20/9/2020। तो अब समस्या सबसे बड़ी यहाँ आ रही है लोगों को कि हम इसको करें, मतलब ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड हैं 10वीं क्लास में, क्योंकि बोर्ड 10वीं क्लास की मान्यता जिन लोगों को मिल गई है 2013-14 में उसके बाद में मिली है वो इसको कर रहे हैं, और आगे यहाँ आने के बाद में जैसे इस ऑप्शन पे आते हैं तो आपको ये ऑप्शन लॉगिन का दिखाई देता है और इस लॉगिन पे आप आते हो तो यहाँ पर आपको पुराने लॉगिन से करते हो तो आप लॉगिन नहीं होते हो। तो ये समस्या, इसका समाधान ऐसे होगा दोस्तों कि आपका जो ये लॉगिन का बोर्ड का जो फॉर्म भरने का है वो लॉगिन अलग होता है और एफिलिएशन का जो आपको लॉगिन आईडी अलग मिलेगा। अभी के रूल रेगुलेशन के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे जानकारी मिली है, ठीक है। ये सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको नीचे सेकंड नंबर ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे, और यहाँ क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ आके आप रजिस्टर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर इस पे आके करते हो तो भी आपका गलत तरीका है, ठीक है। यहाँ आके भी आपको नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप रूल रेगुलेशन अगर पढ़ना चाहें तो आप देखिए बोर्ड 2023 से समानता की सूचना, यानी इसका कब तक आपको फॉर्म भरना है तो आप क्लियर हो जाएं कि आपको 31 जुलाई 2022 लास्ट डेट है इसकी, तब तक आप फॉर्म भर लें, और उसके बाद अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो असमस्त जिम्मेदारी संस्था प्रदान की होगी, आपको ध्यान रखना है। ये आपका साफ साफ इसमें लिखा गया है और जो है ये स्पेशल कहा गया है कि ऐसे विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय 2023 के परीक्षार्थ आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जिनकी संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रदान की होगी। ये इसके बोर्ड के नंबर है। ये कॉन्टैक्ट नंबर जो एफिलिएशन का अलग नंबर है वो मैं आपको डिस्प्ले में कर दूंगा, तो वो ये नंबर नहीं है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करोगे तो ये बोर्ड का हेल्पलाइन नंबर है। दूसरा आप देखो बोर्ड के संबंध की विनियम, तो यहाँ पर आप सारे नियम पढ़ सकते हो, जो बुकलेट दी गई है पूरी की पूरी 32 पेज की, तो इसको आप पढ़ सकते हो। इसको मैं कह रहा हूँ इसको स्टडी करो सभी के सभी, क्यों आपके लिए जरूरी है तो आप इसको स्टडी कर सकते हो, जो कि 38 पेजेस की है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हो नीचे इधर में सब नियम दिए, अतिरिक्त विषय का ऑफलाइन आवेदन होगा। उसके बाद देखिए राज्य सरकार शिक्षा विभाग की क्रमोन्नति और मान्यता आदेश प्राप्त करने के बाद प्रपत्र अप्लाई फॉर एप्लीकेशन के संबंध में आवेदन करना है। तो ये आपको मतलब स्पेशली इसने कहा है कि राज्य सरकार जब आदेश करे उसके बाद ही अप्लाई करना है, और ये आपका हेल्प डेस्क मॉड्यूल है, यहाँ पे आप आके ये हालांकि खुल ओपन नहीं होता है, इसमें दिक्कत रहती है, और जो FAQ क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, CCT उपलब्धता शाला प्रधान का जो आपका ये दे रखा है ये यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें इसमें होगा, इसमें आपको सबसे पहले काम ये करना होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ और प्राइवेट स्कूल का प्रोसेस भी ऐसा ही होगा सेम, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा जैसे फीस वगैरह का अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन जो है इस पे आपको क्लिक करना है, चाहे आप ऑलरेडी बोर्ड के फॉर्म भर रहे हो रजिस्टर्ड हो, वो आईडी अलग होती है एप्लीकेशन की अलग होती है, आपको ध्यान रखना होगा दिमाग में, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ आपको जैसे ये आपका नव करमोन स्कूल है या फिर पूर्व करमोन, जो कि पूर्व में सहशुल्क प्रपत्र कैप प्रेषित कर चुके हो उनके लिए, ठीक है। तो आपको नव करमोन पे क्लिक करना है और यहाँ आने के बाद टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट है गवर्नमेंट है दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट स्कूल। यहाँ आप देखिए कि अपग्रेडेशन ऑर्डर और सी इंट्रैक्शन 4 देखो, तो ये जो इंट्रैक्शन दिए हैं बहुत महत्वपूर्ण इंट्रैक्शन, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें कि आपको मतलब नवकर्मोन्त राजकीय और ये ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, सभी नवकर्मोन्त राजकीय जो भी विद्यालय हैं उनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन आवेदन करना होगा और अतिरिक्त विषय के लिए प्रपत्र है अस्थायी और स्थायी समानता है तो ऑफलाइन आवेदन करना होगा। 3 नंबर है मूक विधेयर और दृष्टिबाधित के लिए आपको सभी विद्यालयों को बोर्ड संपर्क करना होगा। ऑर्डर नंबर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी मूल आदेशानुसार वर्तमान में जो क्रमोन्नति आदेश क्रमांक और उसके साथ में क्रमोन्नति आदेश जारी विद्यालय की क्रम संख्या आपको लिखनी है, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
और जैसे पहले सबसे पहले कर्मोन्नति के आदेश जो है वो डायरेक्टर ने कर दिए, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी का। उसको लिखना कैसे होगा, उसको ऐसे लिखना होगा, ये ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर का नंबर लिखेंगे, उसके बाद कितने नंबर पे वो नंबर आपको लिखना है, ठीक है। और फिर आगे सीसीटीवी कैमरा वगैरह ये प्राइवेट स्कूल के लिए सबके लिए हैं, और सर्वप्रथम आपको इसमें बता रखा है एक से अधिक कर्मोन्नति आदेश जारी हुए हैं, तो सर्वप्रथम जारी आदेश है उसका क्रमांक ही आपको लिखना है, और सभी कर्मोन्नति आदेशों को एक साथ स्कैन करके पीडीएफ बनानी है, ये ध्यान रखना है। और जो बाद में प्रपत्र भरते समय आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। और ऑर्डर नंबर की डेट जो है वर्तमान कर्मोन्नति आदेश दिनांक लिखें, और यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह गया तो शुल्क जमा कराने से पूर्व पुनः रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भर सकते हैं, यानी किसी प्रकार की आपको त्रुटि रह गई तो इसका आवेदन पुनः कर सकते हो आप, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे आप। ये सारा भरेंगे या ऑर्डर नंबर भरेंगे, ऑर्डर नंबर का मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अंदर है मेरा स्कूल का नाम, जैसे आप देख रहे हो इसमें, ये ऑर्डर के नंबर हो गए पूरे, नंबर क्रमांक यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा नंबर हो गया, इसमें से आप पूरा लिखना चाहो या ये नंबर लास्ट के लिखना चाहो तो ये नंबर आप लिख सकते हो। और यहाँ पर है आपका स्कूल का नंबर कितने पे है, जैसे मेरा स्कूल का नंबर है आप देख रहे हो ये 130 नंबर पे, ये देखो आप, ठीक है। तो मैं 130 नंबर लिखूंगा, तो मुझे ऑर्डर में क्या लिखना होगा, मुझे ऑर्डर में लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा जैसे 130 नहीं 2022 / 130, यानी जो आपके ऑर्डर में वो, और यहाँ पर आपकी डेट अपडेशन किस तारीख की वो डेट डालनी है, और प्रिंसिपल का आपका नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ठीक है, स्कूल का ईमेल एड्रेस जो भी है वो आपको डालना है, और आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैसे आपके पास जो है आपका आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है, आईडी यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड आने के बाद आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करेंगे तो जैसे ही यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो आपका यूज़र आईडी जो आपका है वो और पासवर्ड आप एंटर करते हुए लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप लॉगिन होंगे तो इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा, और सबसे पहले आपको यहाँ पर है जो भी आप संस्था प्रधान है उसका नाम आएगा, क्यों आपने पहले भर दिया है, और ये सारी इसमें एक इंस्ट्रक्शन आएगी, घोषणा पत्र आएगा कि किसी प्रकार की जो गलत जिम्मेदार मैं यहाँ पर नहीं भर रहा, सही भर रहा हूँ सभी की सभी, और फिर भी अगर किसी प्रकार की आपको समस्या रहती है तो ये बोर्ड का जो हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना किसी प्रकार की समस्या, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लो, और या फिर आप इस पर मान्यता BSER.मान्यता@gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपको करना है, ये आप नोट करके रखें। और यहाँ अधिक जानकारी के लिए बोर्ड के संबंध का विनियम देखें, तो विनियम के अंदर हैंडबुक मिलेगी जो मैंने आपको पहले बताई थी वही सेम, ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब आपको 10वीं का तो स्कूल ही फिनिश हो चुके हैं, आपको पता ही है, तो अब सीधा 12वीं करना है, तो 12वीं वाला ये आपका आ गया, किसी का 10वीं का प्रमोट अगर बाई कोई किसी कारण हुआ है तो इसको यूज करेंगे, हमें 12वीं क्लास के लिए एफिलिएशन लेनी है तो 12वीं क्लास से के लिए इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी जो आप देख रहे हो, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो नेम ऑफ स्कूल कर्मोन्नति आदेश के अनुसार, और नीचे लिखा है विद्यालय का नाम कर्मोन्नति कक्षा के अनुसार सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी अंकित करते हुए लिखें, एड्रेस लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, यहाँ पर तहसील लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और फिर पिन कोड लिखेंगे, पिन कोड लिखने के बाद में आपको मेल एड्रेस ऑटोमेटिक आ गया, और यहाँ पर आधार नंबर लिखेंगे आपके प्रिंसिपल सर के, ठीक है, यहाँ पर पैन नंबर लिखेंगे प्रिंसिपल सर के जो भी आपके, और नेम ऑफ बैंक एंड अकाउंट नंबर, और आपका नेम ऑफ स्कूल बैंक अकाउंट नंबर, और ये बैंक अकाउंट नंबर ऑफ स्कूल, ठीक है, यानी इसका नेम लिखना है स्कूल अकाउंट का और उसका अकाउंट नंबर लिखना है, और यहाँ पर नेम ऑफ बैंक आपके प्रिंसिपल्स हैं उनके नंबर आपको लिखने पड़ेंगे और IFSC कोड आपको बताने में, ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अप्लाई फॉर क्लास, तो अप्लाई फॉर क्लास के लिए आप 12th के लिए कर रहे हो या फिर वरिष्ठ उपाध्याय के लिए, दो क्लासें होती है आपकी बोर्ड की, यहाँ पर स्कूल का कोड डालोगे आप, स्कूल का कोड कौन सा डालना है ये आपको बताता हूँ, स्कूल का बोर्ड का कोड जो आपको पहले जारी किया गया वो कोड आप एंटर करना है, ठीक है, पहले जिससे आप लॉग इन करते हो, ठीक है, तो ये आपको एंटर करना है, यहाँ पर डाइस कोड एंटर करना है, डाइस कोड एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप मतलब अब की बार, ये नीचे दिया हुआ साफ साफ कि एक स्तर में अगर दो कक्षा 11वीं 12वीं प्रारंभ करने की दोनों कक्षा अंकित करें, ठीक है, होने के आदेश होने पर दोनों कक्षा अंकित करें, बोथ वाली ये वाली और नहीं तो 11th करें, ठीक है, और फिर आपका 10वीं का जो ऑर्डर हुआ ना मान्यता, उसको यस करने के बाद में आपको ऑर्डर नंबर वगैरह यहाँ पर आपको एंटर करने, और वर्ग जिसके लिए स्वीकृति आपको मिली है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, ये तो आपकी डेट आ गई मान्यता की, जो आपको 10th क्लास में शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता मिली थी उस ऑर्डर के क्रमांक लगाने, ठीक है, फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे जो भी आपका मतलब सब्जेक्ट हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा,
तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरे वर्ग में अगर आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स को सेलेक्ट करेंगे, कॉमर्स वाले आ जाएंगे। तीसरे में जैसे साइंस है तो साइंस वाला सेलेक्ट करेंगे, साइंस के सब्जेक्ट आ जाएंगे। और चौथा एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपकी जो भी हुआ है उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मेरे केवल जो है आर्ट हुआ है तो मैं आर्ट का ही करूँगा, ठीक है। पढ़ाई का माध्यम कैसा है आपका, तो माध्यम इंग्लिश ही बोथ है, हिंदी है तो भी आपका वो आपको सेलेक्ट करना है। कर्मोन्नति आदेश के अनुसार कक्षा 11 का वर्ष कौन सा है आपको बताना है, कि जो अभी चल रहा है वही वर्ष है क्या, वो आपको बताना है, ठीक है। परीक्षा वर्ष कौन सा है, 2023 है, वो आपको बताना है, ठीक है। दोनों का है तो फिर दोनों के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ा। विद्यालय के प्रकार, ये आपका वर्ष आ गया। फिर आपका विद्यालय के प्रकार कैसे, कोएड है, बॉयज या गर्ल्स है, वो सब आपको भरना है। शहरिया के अंदर है कि नहीं, TSP नहीं है, ये साधारण चीज़ें हैं, सब की सब आप आराम से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए SMC के पंजीयन प्रमाण पत्र विद्यालय संस्था संलग्न करें, तो ये इसको यस करेंगे। ये सारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इन सबको आपको यस करना है, ठीक है। कुल छात्र संख्या, सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है कि नहीं, ये आपको यस करना होगा, क्योंकि नो करोगे तो फिर आपका ये सेंटर वगैरह में आपके प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, ये सब आपको जो भी है जितने भी कक्ष हैं विद्यालय के अंदर वो सारे के सारे कक्ष बता देंगे आपको, और ये सब बता देंगे, ठीक है। ये नॉर्मल आपको क्रैम्प वगैरह बताना है, आवासीय विद्यालय नहीं वो भी बताना है, विधानसभा और पंचायत समिति। और फिर ये डॉक्यूमेंट नीचे देखो, विद्यालय का सेकेंडरी स्तर का जो कर्मोन्नति आदेश है उसकी PDF आपको अपलोड करनी है। PDF ये यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, PDF में अपलोड करना है। उच्च माध्यमिक के लिए जो कर्मोन्नति आदेश है वो आपको PDF में करने हैं। फिर नीचे 3 नंबर दिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 3 नंबर दिए, राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के साथ समकक्ष से कर्मोन्नति और मान्यता हेतु प्रस्तुत किए गए ब्लू प्रिंट नक्शा की सत्यापित प्रति, ठीक है। इसका आपको केवल ओनली JPG या GIF के अंदर 150 KB से 1 MB तक करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको यानी फोटो के अंदर इमेज में करना है, इसको PDF में नहीं करना, ये ध्यान रखना है। और 4 नंबर में SDMC की पंजीयन जो आप करवाते हो, आप इस एक रजिस्टर संस्था के रूप में एक रजिस्टर करवाते हो रजिस्ट्रार से, तो वो आपको यहाँ पर करना है। आपको संस्था जब SDMC बनी थी तब आपने अपने रजिस्ट्रार से करवाया होगा, और नहीं करवाया तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, और वैसे करवाना जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। प्रबंधन समिति की सूची, जो भी आपने सत्यापित सूची है वो यहाँ पर अपलोड करनी है आपको। और यहाँ पर आपको संस्था प्रधान के हस्ताक्षर की साला की जो मोहर सहित आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और ये सारे डाटा हैं जो 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, मैं फटाफट करके आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा आपको और डिटेल बता देता हूँ जो मेरे प्रॉब्लम फेस हुई है। यहाँ पर आपको जैसे जो स्टार लगे हुए हैं रेड स्टार, उनको आपको करना है, उनको भरना जरूरी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बैंक अकाउंट आप SDMC के दें, SDMC के अकाउंट नंबर एक दे सकते हो, दोनों देने जरूरी है, एक अकाउंट जरूरी है, ठीक है। क्लास वगैरह सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई फॉर क्लास, इसमें वरिष्ठ उपाध्याय और क्लास 12th का आएगा, ये आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके स्कूल के कोड, वो कोड देने हैं जो बोर्ड के आपके कोड है स्कूल के वो, और यहाँ पर यस करेंगे। और क्लास आप मतलब 11th 12th दोनों करेंगे तो इसके लिए अलग होगा, तो आप इस पर हिसाब से देखें। और मेनली जो ध्यान देने वाली बात है वो सर्कुलर वगैरह आपको करना ही है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट ध्यान से सेलेक्ट करें, वर्ग वन है, आर्ट है, या वर्ग 2 कॉमर्स है, जो भी आपका उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। और कर्मोन्नति आदेश के अनुसार कक्षा 11 का वर्ष कौन सा होगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कि 2023 में जो है 11वीं क्लास है वो परीक्षा देगी, ठीक है। और कोएड ये दोनों आपको सेलेक्ट करने हैं, ये आपको सब ध्यान से करनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब ध्यान से करते हुए यहाँ डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है वो मैं आपको बता दूं, कि इसमें हर कोई जो डाटा है इसको स्पेशली ब्लूप्रिंट को छोड़ के जो है वो डाटा ए मतलब ये भी एक इसमें स्पेशली ये दिया गया है कि ये डाटा तो 150 MB से कम भी हो सकता है बाकी जो डाटा है, लेकिन ब्लूप्रिंट का डाटा वो 150 KB से ज़्यादा होना चाहिए, इसमें ज़रूरी यानी मिनिमम कंडीशन इसको 150 KB की लगा दी और अधिकतम आपकी 1 MB की लगा दी, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी PDF मैंने अच्छी तरह से अपलोड किया, सब अपलोड हो गए। 1 MB से ज़्यादा ये डाटा नहीं होना चाहिए, पड़ते हैं कि 1 MB से अगर ज़्यादा करोगे तो ये नहीं लेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और समस्त दस्तावेज हैं उनका आपको 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ साला प्रधान के जो आपके हस्ताक्षर है वो करेंगे, और फिर इस डाटा को कर देंगे आप सेव, ठीक है। तो जैसे आप इस डाटा को सेव करेंगे तो ये थोड़ा प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद में प्रपत्र डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली आ गई, इसमें थोड़ा वेट करेंगे, वेट के बाद में आपके हस्ताक्षर यहाँ पर आपके आ जाएंगे, ठीक है। इसको आप देख लेंगे अच्छी तरह से, और आपके जो प्रपत्र है वो यहाँ पर फिल सक्सेसफुली आ गए, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग प्रपत्र जनरेट चालान करेंगे, ये आप देख रहे हो चालान आपको जनरेट करना है। चालान जनरेट करने के बाद में आपका लेट फीस 0 है, लेट मंथ 0 है, लेट इतना यानी लेट फीस का आपका कुछ भी नहीं दिखा रहा,
और एफिलिएशन फीस जो है वो आपकी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये पेमेंट जो है, इस चालान में आपके दो ऑप्शन आते हैं, इन ऑप्शन में से आप एक तो ऑनलाइन पेमेंट और एक कैश पेमेंट, दोनों में से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो। ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो ऑनलाइन हो जाएगा, कैश करना चाहते हो तो कैश का सेलेक्ट करोगे तो कैश में आपके जनरेट हो जाएगा चालान, ठीक है। तो इसमें ऑनलाइन करना चाह रहा हूँ मैं, तो ऑनलाइन कर देता हूँ, जनरेट ए प्रिंट चालान, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरी डिटेल्स आ जाएगी पूरी की पूरी, और इसमें ये चालान आ रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई गलती मत करना, आप गलती करोगे तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। जिस प्रकार से एप्लीकेशन फीस मेरी 28,000 रुपये आ गई, क्योंकि मेरे जो विद्यालय मैंने फॉर्म भरा था वो मैंने आवासीय सेलेक्ट कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और गवर्नमेंट स्कूल के पर्पज़ में आपकी ओनली फीस आएगी 100 रुपीज़, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं कल करवाऊँगा, और यहाँ क्योंकि ये देखिए आवासीय यस कर रहा है, ठीक है, इसको नो करना था, ये ध्यान नहीं रहा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको जनरेट चालान करके ऑनलाइन कर देना है, उसके बाद में आपका बोर्ड का आगे की प्रक्रिया हो जाएगी और ये आप फाइलिंग कर लें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट जरूर करें, ताकि मैं 31 तारीख से पहले और वीडियो बना के आपको दे सकूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, थैंक यू।